Good morning, class. We'll be continuing our chapter Bricks, Beads and Bones of 12th class, and today's topic is Cunningham's confusion. Okay, now who is Cunningham over here? His full name is Alexander Cunningham. He was the first director general of Archaeological Survey of India. Now, what is Archaeological Survey of India? It is basically a government agency that do the archaeological researches. And they also protect and preserve our cultural heritage. Okay? Side by side, he is also known as father of Indian archaeology. Okay? Now, how actually he founded Harappa? Okay? How he researched about Harappa? He went to the place near about, we are talking about Pakistan. And what he saw? He actually saw the people were taking bricks from that area. Okay. और उस एरिया से इतनी ज्यादा ब्रिक्स उठा के लेके गए थे, मतलब चोरी हो चुकी थी कि उस उन जो ब्रिक्स लेके गए थे लोग, उससे एक 160 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक तैयार हो जाता. जब ये बात कनिंघम को पता लगी तो उसको ऑब्वियसली रियलाइज हुआ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ सेटलमेंट हुई होगी, तभी तो इतनी ब्रिक्स आई है वहां पे. ओके, तो ही स्टार्टेड बिगिन the excavations around mid 19th century. Okay, he started finding the Harappan civilization. He was not aware about the fact that it was Harappa. अभी क्या हुआ है, सिर्फ start हुआ है finding करना कुछ area को जहां पे उसको structures मिले थे. And उस time की एक ये बात थी कि जब भी जो भी हमारे पास रिटन वर्ड्स होते थे, जैसे किसी भी फॉर्म में हो, टेक्स्ट के फॉर्म में हो, इंस्क्रिप्शंस के फॉर्म में हो, या किसी आर्टिफैक्ट्स पे वो कुछ लिखा हुआ है, उसको इन्वेस्टिगेशन में ज्यादा प्रेफर किया जाता था, ना कि जो कि हमें कुछ आर्टिफैक्ट्स मिलते थे. ठीक है, रिटन डॉक्यूमेंट्स को ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है क्योंकि वो एक पक्के सबूत हैं. ठीक है, जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो गलत भी हो सकते हैं, वो किसी और एरिया का भी हो सकता है, तो उस पर इतना इजीली ट्रस्ट नहीं किया जाता था. अब क्या हुआ, कनिंघम का जो मेन इंटरेस्ट था, एक्चुअली ही वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन इंडियन हिस्ट्री, इंडियन एंशियंट अर्ली हिस्ट्री, दैट इज बेसिकली पीरियड ऑफ 6th to 4th सेंचुरी बीसी. जो हम बात करें, ये 500 बीसी की बात कर रहे हैं हम, से हम 4th बीसी हो गया आपका अराउंड 300 या ऐसे करके बीसी की बात कर रहे हैं. ही वॉज सो इन्वॉल्व विद द सर्च ऑफ इंडियन हिस्ट्री कि जितने भी चाइनीज ट्रेवलर्स यहां पे आए थे, चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स वाले लोग इधर आए थे, एक्चुअली दे केम एज अ ट्रेवलर. वो हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे. जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, फाहाइन इंडिया में आया था जस्ट टू ट्रेवल इंडिया, और उसने उसके ऊपर ट्रेवल अकाउंट लिख दिए. ठीक है, अब वो जिस किंग के अंडर आया था, जिस किंग के रेन में आया था, REIGN, RAIN नहीं, रेन होता है टाइम पीरियड. ओके, जिस टाइम पीरियड में वो आया होगा, उसने उसके बारे में पूरा लिखा होगा, अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा, जहां जहां वो गया होगा उस जगह के बारे में लिखा होगा. ठीक है, तो उसने ये सारी बुक्स बहुत अच्छे से पढ़ी हुई थी, वो इंडिया के अर्ली हिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छे से जानता था. Then he collected all the documents and translated the inscriptions he found in his survey. उसको शौक था तो उसने ये सब documents translate किए और इनको अच्छे से survey किया. ठीक है, लेकिन जब वो excavate कर रहा था, उसने ये मतलब साथ ही साथ, I'm reading this line, when he excavated sites, he searched for the artifacts that explained the cultural value of the people. ठीक है, वो उन चीजों को ढूंढता था, आर्टिफैक्ट्स को, जो प्रेशियस होते थे और जो कल्चरल वैल्यू बताते थे लोगों की. वहां पे छोटी मोटी चीजें जो भी उसको आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, हर किसी को ध्यान में नहीं रखते हुए, जो प्रेशियस चीजें, जो चीज उसको लगता था कि हाँ ये कल्चरल वैल्यू बता रहा है, उसी को वो अपने पास रखता था. ठीक है, अब उसने जितनी चाइनीज पिलग्रिम्स देखी हुई, मतलब पढ़ी हुई थी, जितनी चाइनीज पिलग्रिम्स वाले राइटर्स की बुक पढ़ी हुई थी, उसने कहीं भी हरप्पा नाम कहीं नहीं सुना. ठीक है, तो वो उसके इन्वेस्टिगेशन में कहीं आया ही नहीं है अभी तक. ठीक है, वो समझ, उसको दिमाग में हरप्पा नाम का कोई जगह ही नहीं है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने अमेरिका कहीं नहीं सुना होगा, मैं इंडिया में रहती हूँ, तो अमेरिका मुझे पता ही नहीं है ना कौन सा देश है क्या है. अब सडनली मेरे पास अगर न्यूज आ जाती कि अमेरिका नाम का एक कंट्री है,
तो मुझे तो बिल्कुल आई विल बी इन शॉक कि ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं था. वैसे ही इसके साथ हुआ. अभी हम पढ़ते हैं इसका कंफ्यूजन क्या था. एक्चुअली टॉपिक इतना है, ठीक है. ये थोड़ा सा हमने ब्रीफ कनिंघम के बारे में पढ़ा है. अब क्या हुआ, उसने जब उसके दिमाग में हरप्पन सिविलाइजेशन था ही नहीं, उसको बेसिकली ये लग रहा था, उसको क्या जो और भी आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको सबको ये लग रहा था कि जो हरप्पन सिविलाइजेशन है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, और जो इंडिया में सेटलमेंट हुए हैं वो अराउंड हमारे वैदिक एज, जो आप ऐसे मान लीजिए कि मेन सेटलमेंट हमारा फर्स्ट जो मेन एम्पायर दैट इज हमारा पहला वैदिक एज था. फिर हमारा चंद्रगुप्त मौर्य आया है जो मेन पावर है, उसके बीच में एक हर्यंका डायनेस्टी भी आई है, ठीक है. तो हम लेट सपोज करते हैं कि वो सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य के एज से जानता था, ठीक है. तो व्हाट वाज हिज कंफ्यूजन एक्चुअली, अलेक्जेंडर कनिंगम को एक आर्कियोलॉजिस्ट ने हरप्पन सील दी, ठीक है. जब उसको हरप्पन सील्स दी, उसने वो ऑब्जेक्ट देखा, प्रॉपर ध्यान से रखा, लेकिन वो उसको उस टाइम फ्रेम में एडजस्ट कर रहा था जिस टाइम फ्रेम का वो था ही नहीं, ठीक है. वो उसको सपोज, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक मुझे एक पेन मिला, ठीक है, ये एक साल पुराना है, और मैं इसको जो 2 महीने आए लॉन्च नए पेन से कंपेयर करूंगी, तो वो कभी कंपेरिजन हो ही नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि क्वालिटी उसकी एक साल से मिलती है. तो अब क्या हुआ, जब इसको हरप्पन सील्स मिली और ये चंद्रगुप्त मौर्य, अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य के एज में उसके सर्टेन राइटिंग्स होगी, उसका सर्टेन लैंग्वेज होगा, स्क्रिप्ट होगा, सर्टेन रिलीजियस थिंग होगी, जो हरप्पन सील्स में लैंग्वेज बिल्कुल अलग थी. तो वो उसको उस एरिया, उस टाइम पीरियड से कंपेयर कर रहा था जो टाइम पीरियड वो उसका था ही नहीं. तो ये उसकी कंफ्यूजन थी, ठीक है. और ये इसलिए हुआ क्योंकि सब लोगों का ये मानना था कि जो सेटलमेंट है इंडिया का वो स्टार्ट हुआ है गंगा वैली से, ना कि इंदस वैली से. ओके, आई होप इट इज क्लियर. अगर क्लियर नहीं होगा आई अगेन मेक अ वीडियो ऑफ इट, ठीक है. नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन. देखो बेसिकली अभी हमने बात करी अलेक्जेंडर कनिंघम ने. अलेक्जेंडर कनिंघम ने बेसिकली एक हरप्पा की हिंट दी है कि एक सेटलमेंट हुआ था, लेकिन उसको प्रॉपरली जो वर्ल्ड के सामने लाया वो था जॉन मार्शल. ओके, 1924 में जॉन मार्शल ने, मतलब आफ्टर कनिंघम, जॉन मार्शल बिकेम द एएसआई, डायरेक्टर ऑफ एएसआई, दैट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. एंड ही अनाउंस दैट देयर हैज बीन अ न्यू डिस्कवरी ऑफ न्यू सिविलाइजेशन नेम्ड एज इंदस वैली सिविलाइजेशन, एंड ही रिप्रेजेंटेड सेड इन द होल वर्ल्ड अबाउट इट. ओके, अब हमें पता कैसे चला ये पढ़ते हैं. देखो कुछ ना कुछ चीजें इस एरिया से मिल ही रही थी. सील्स डिस्कवर्ड करी, जैसे मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक में ही बताया था, फर्स्ट उसमें, कि दयाराम साहनी ने हरप्पा डिस्कवर किया और उसके एक साल बाद ही मोहनजोदारो रखलदास बनर्जी ने सर्च कर दिया, ठीक है. अब इनको इससे रिलेटेड चीजें मिल रही थी, छोटी छोटी चीजें जो लिंक हो रही थी. जैसे अगर सपोज हरप्पन सील है तो राइटिंग सेम है, सब कुछ सेम है, मोटिव सेम है. तो इनको ये रियलाइज हुआ कि ये एक सिंगल आर्कियोलॉजिकल कल्चर है जो इतने बड़े एरिया में फॉलो हो रहा था. उसके बाद क्या हुआ, जॉन मार्शल ने ये डिस्कवरी कर दी कि एक इंदस वैली सिविलाइजेशन नाम का सिविलाइजेशन हुआ करता था इंडिया, मतलब इंडिया की हिस्ट्री इतनी पुरानी है. ओके, अब एक एस एन राव पर्सन है, इन्होंने अपनी बुक में, जो बुक का नाम है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ठीक है, इन्होंने बोला कि जो जॉन मार्शल है उन्होंने एक नया सिविलाइजेशन तो ढूंढा ही ढूंढा, साथ में मेसोपोटामिया के साथ वो ट्रेड रिलेशन में था या उसका कंटेम्प्रेरी था ये भी बता दिया. क्योंकि हरप्पन से, जब देखो मेसोपोटामिया की डिस्कवरी मतलब ऑलमोस्ट पहले हो चुकी थी हरप्पा से, तो वहां पे कई हरप्पन सील्स मिली थी जो उनको समझ ही नहीं आया था कि ये कहां से बिलोंग करती है, किसकी बिलोंग करती है. जब हरप्पा डिस्कवर हुआ तब जाके वहां पता लगा कि दे वर बोथ इन ट्रेड रिलेशंस और हरप्पन सील्स वहां पे मिली, इसका मतलब इनके कॉन्टेक्ट एक दूसरे के साथ थे. अब जॉन मार्शल वॉज द फर्स्ट पर्सन, बेसिकली फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट जिसने अपना सारा एक्सपीरियंस लगा दिया इंडिया में काम करते हुए, ठीक है. ये एक्चुअली बेसिकली जो इनका जो भी आर्टिफैक्ट्स थे वो सब एक सर्टेन पैटर्न्स में इनको मिलते थे, हर मतलब एक सर्टेन पैटर्न्स में ही उसको ढूंढ रहे थे. अब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल एक एरिया है, मैंने आपको ये, जैसे फॉर एग्जांपल ये एरिया चार पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया, ये अलग एरिया, ये अलग एरिया, ये अलग एरिया, ये अलग एरिया.
आपको पता होगा जो भी हमारा हम डिस्कवरीज करते हैं या हम ऑब्जेक्ट हमें मिलते हैं उनकी हम सर्टेन एज निकालते हैं. एक होता है कार्बन डेटिंग ड्यू टू सर्टेन केमिकल्स यूज करके उसकी डेट निकाली जाती है, और दूसरा होता है उसकी स्ट्रेटियोग्राफी. स्ट्रेटियोग्राफी स्ट्रेटिग्राफी होती है लेयर्स के लेयर्स. सॉइल्स पे देखो सर्टेन लेयर्स होती है, जिस लेयर पे वो मिलता है तो उस उतना वो ओल्ड होता है. तो मार्शल्स ने मार्शल जॉन मार्शल ने एक गलती कर दी थी बेसिकली. जैसे वो क्या कर रहा था, जो लेयर्स वाले को ना देखते हुए सर्टेन एरिया में जो चीजें मिली वो एक तरफ, फिर जो एक सर्टेन एरिया में चीजें मिली वो एक तरफ, ठीक है, ऐसे करके वो चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, डिस्टिंग्विश कर रहा था. लेकिन इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जो उनकी क्वालिटी है, ठीक है, जो क्या पता वो सिविलाइजेशन और पुराना हो, ठीक है, जैसे सपोज एक आर्टिफैक्ट मुझे एक पॉट मिला, ठीक है, तो वो डिफरेंट उस पर मिला है, मुझे डिफरेंट लेयर पे मिला है, तो ऑब्वियसली वो पॉट उससे भी पुराना होगा ना. सपोज थ्री लेयर्स हैं अगर सॉइल की, मुझे एक तीसरी लेयर पे मिला पॉट, एक मुझे फर्स्ट लेयर पे मिला पॉट, तो दोनों की एज तो पुरानी हुई ना. क्या पता हमारा हड़प्पा से भी पुराना सिविलाइजेशन होता कोई, ठीक है. तो ये सब चीजें इग्नोर कर दी, उनकी वैल्यू खत्म कर दी थी उसने एक जगह. जैसे अब मुझे एक ही जगह पे तीनों लेयर पे सामान मिला है तो वो उठा के एक जगह ग्रुप कर दे रहा था उसको, ठीक है. तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हुई. मैं ये पढ़ती हूँ एक बारी. मार्शल एक्सकवेटेड अलोंग ऑल हॉरिजोंटल यूनिट्स अंडर सॉइल, ठीक है, बट इग्नोर द स्ट्रेटिग्राफी ऑफ द साइट, ठीक है. द आर्टिकल्स रिकवर्ड फ्रॉम द सेम यूनिट वर ग्रुप टूगेदर इवन इफ देवर फाउंड अ डिफरेंट स्ट्रेटिग्राफिक लेयर बिकॉज ऑफ विच द वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन वॉज लॉस्ट, ठीक है. इसकी वजह से जो सपोज पुराना और पुराना आर्टिफैक्ट है अब वो मिक्स हो गया उसी के साथ, तो हमें इन्फॉर्मेशन तो उसकी चली गई ना. तो ये प्रॉब्लम जॉन मार्शल ने करी थी, ठीक है, ये प्रॉब्लम आई थी. नेक्स्ट एक और पर्सन है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है आर ई एम व्हीलर, ठीक है. आर ई एम व्हीलर वॉज अगेन नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल, और 1944 में उन्होंने इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई किया था जो जॉन मार्शल ने क्रिएट करी थी. उन्होंने बोला कि इट इज नेसेसरी कि स्ट्रेटिग्राफी भी मेंटेन करके रखें, जितना हम नीचे जाएंगे उतनी हमें चीजें मिलेंगी, तो हमें उसको यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मेंटेन करके रखना है कि इस लेयर से ये सामान मिला है, इस लेयर से ये सामान मिला है, ताकि एक प्रॉपर पार्टीशन हो जाए चीजों का, ठीक है. अब एक्चुअली क्या है, न्यू डिस्कवरीज तो हो रही थी, ठीक है. हरप्पन साइट जब ऑब्वियसली जब पार्टीशन हुआ तो मैक्सिमम जो मेजॉरिटी ऑफ जगह थी वो पाकिस्तान में चली गई थी, जो मेजर साइट से. तो यहाँ पे जो इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको इतना ज्यादा इंकरेजमेंट मिला इंडियन साइट्स ढूंढने के लिए, और ये बाद में हमें कच्छ में मिली है, हरियाणा में मिली है, फिर मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही धोलावीरा कालीबंगा, ये सारी साइट्स बाद में डिस्कवरी हुई है, ठीक है. आई होप टॉपिक इज क्लियर, ठीक है. नेक्स्ट वी विल वन टॉपिक इज लेफ्ट, दैट विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड विल बी एंडिंग द टॉपिक देन.